हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना बोरा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल भावनास कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अरबी के पत्ते के पकौड़े। कुछ लोग इसे पतौड़ भी कहते हैं। देखिए, ऐसे अरबी के पत्ते के पकौड़े आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इसे बारिश के मौसम में खाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरबी के पत्ते के पकौड़े बनाना। हमें चाहिए बाउल और उसमें डालेंगे हम एक कप बेसन। साथ में ऐड करेंगे एक चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट में मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियां, आधा चम्मच जीरा और 4 से 5 हरी मिर्च डाली हैं और ये पेस्ट इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। हमें ये पूरा पेस्ट इसमें डाल लेना है और अच्छी तरीके से मिक्स करना है। धीरे धीरे हम इसमें पानी डालते रहेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। फ्रेंड्स, पेस्ट बनाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा पेस्ट थोड़ा थिक होना चाहिए। अगर हमारा पेस्ट पतला हुआ तो जब हम इसे पत्तों में लगाएंगे तो ये बाहर निकलने लगेगा। इसलिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। अब हमने अरबी के पत्तों को धोकर सुखा लिया है। अब मैं इसे साइड से काट रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी डंठल काट ली है और ये बीच से चीरा लगा रही हूँ। हम अरबी के पत्तों को ऐसा इसलिए काट रहे हैं ताकि हम इसे बाद में आसानी से फोल्ड कर सकें। ऐसे ही हमें दूसरे पत्ते का भी डंठल अलग कर देनी है और बीच में से एक चीरा लगा देना है। अभी जो हमने बेसन का पेस्ट तैयार किया था वो अब हम इसमें लगा देंगे। पेस्ट को हमने पत्ते में अच्छे से फैला कर लगाना है। इस तरीके से हमने पूरे पत्ते में इस घोल को लगा लेना है। जब हम एक पत्ते में अच्छे से बेसन लगा देंगे तो अब हम दूसरा पत्ता लेंगे और उसको ऐसे अपोजिट साइड में रख देंगे। उसे हमने उल्टा करके रखना है और उसमें भी हम बेसन को अच्छे से फैलाकर लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे पत्ते तैयार करने हैं। अब मैं आपके सामने काउंट कर रही हूँ। देखिए, 1, 2, 3, 4 मैंने 4 पत्ते लिए हैं और उन पर ऐसे बेसन लगा लिया है। अब मैं इस साइड से फोल्ड कर रही हूँ और उसके ऊपर बेसन लगा रही हूँ। अब दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर भी बेसन लगा लेंगे। बेसन लगाने से पत्ते खुलेंगे नहीं। दोनों साइड से मैंने बेसन अच्छे से लगा लिया है। अब मैं ये तीसरी साइड से इसे फोल्ड कर रही हूँ। ऐसे ही मैं अब दूसरी साइड से भी इसे फोल्ड करूँगी। चारों साइड से हमें ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद हम इसे रोल करेंगे। हमें इसे अच्छे से रोल कर लेना है और उसके बाद जो इस साइड खुली हुई है इस साइड पे हमने थोड़ा सा बेसन लगा लेना है। अब मैं एक कुकर में पानी डाल रही हूँ। इस गिलास से मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। उसके ऊपर मैंने स्टैंड रख लिया है। अब हम स्टैंड के ऊपर चम्मचों का एक सेट बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें प्लेट भी रख सकते हैं, पर प्लेट रखने से कभी कभी पानी प्लेट के ऊपर आ जाता है, इसलिए हम चम्मचों का सेट बना रहे हैं। चम्मचों का सेट बनाने के बाद सारे रोल हमने इसमें रख देने हैं और कुकर का ढक्कन बंद कर देना है। अब हमें 1 सीटी का वेट करना है और फिर उसके बाद गैस बंद कर देनी है। जब कुकर का प्रेशर ठंडा हो तब हम उसका ढक्कन खोलेंगे और देखिए, ऐसे रोल हमारे तैयार हो जाएंगे। अब हमें इसे चाकू की हेल्प से काट लेना है। पीस आपकी मर्जी है, आप चाहे छोटे या बड़े कैसे भी काट सकते हैं। ये सारे पीस हमने काट कर तैयार कर लिए हैं और भी जो रोल हैं हम सारे पीस उसके ऐसे ही काट कर तैयार कर लेंगे। अब हम इन पीसेस को फ्राई करेंगे। मैं इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, केवल फ्राई कर रही हूँ। देखिए, हमने ऑयल गर्म करने रख दिया था। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा जखिया। अगर आपके पास जखिया अवेलेबल ना हो तो आप इसमें सरसों के दानों से भी तड़का लगा सकते हैं। अब हम इसमें सारे
कटे हुए पीसेस डाल देंगे और इन्हें हल्के हाथ से चला लेंगे। इन्हें आराम आराम से चलाना है, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। हमें इन्हें थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। हमने इसे एक थाली में निकाल लिया है तो तैयार हैं हमारे अरबी के पकौड़े। तो फ्रेंड्स, इस बारिश के मौसम में आप भी इन्हें बनाइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।